ओके, सीएसएस सीएसएस इज यूज टू कंट्रोल द स्टाइल ऑफ वेब डॉक्यूमेंट इन अ सिंपल एंड इजी वे। ठीक है, सीएसएस जनरली हम लोग यूज करते हैं किसी भी वेब डॉक्यूमेंट को, मतलब वेब पेज को या फिर किसी भी वेबसाइट को बहुत सुंदर सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। ठीक है, इसका बहुत एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक इमेज दिखा रहा हूँ। ठीक है, इस इमेज में हम लोग देखेंगे कि एक वेबसाइट है। ठीक है, एक वेबसाइट है। ठीक है, ये मान के चलो एक वेबसाइट है जिसमें हम लोग CSS और HTML यूज किए हैं दोनों। ठीक है, ये कुछ बहुत अच्छा सा सुंदर सा स्ट्रक्चर हम लोग को दिख रहा है। ठीक है, जिसको हम लोग बुर्ज खलीफा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको ऐसा मान के चलेंगे कि कोई भी एक वेबसाइट है और उसमें हम लोग यूज किए HTML और CSS। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का बहुत सुंदर सा हम लोग को देखने मिलेगा। ठीक है, अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ HTML यूज करते हैं, उसमें CSS हम लोग यूज नहीं करते, तो हम लोग को कुछ इस प्रकार का भद्दा सा गंदा सा स्ट्रक्चर हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो HTML सिर्फ और सिर्फ उसका स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, उसकी सुंदरता को डिफाइन नहीं करता। अगर हम लोग उसको बहुत सुंदर सा बनाना चाहते हैं, बहुत अट्रैक्टिव हम लोग बनाना चाहते हैं, तो हम लोग को यूज करना पड़ेगा CSS। मतलब लाइक हम लोग जिस प्रकार से मेकअप करते हैं, ठीक है, तो ये HTML वेब पेज का एक मेकअप होता है CSS। ठीक है, और एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से HTML प्लस CSS हम लोग यूज करेंगे तो कुछ इस प्रकार का हम लोग को स्ट्रक्चर मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, काफी सुंदर सा स्ट्रक्चर है, लाइटिंग वाइटिंग बहुत सारी चीजें। ठीक है, अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ HTML यूज करते हैं तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर हम लोग को यहाँ पे देखने मिलेगा। ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं है इसमें, एकदम सिंपल सा। ठीक है, एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, अगर हम लोग सिर्फ HTML यूज करते हैं तो इस प्रकार का हम लोग को स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, अगर हम लोग इसमें CSS भी यूज करते हैं तो कुछ इस प्रकार का हम लोग को सुंदरता यहाँ पे देखने मिलेगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्किन दिख रही है, यहाँ पे स्किन प्लस मेकअप दोनों दिख रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग को कोई भी वेबसाइट बनाना है, ठीक है, तो अगर उसको हम लोग अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, अट्रैक्टिव मतलब उसको देखे और बहुत अच्छा लगे, मतलब जो यूजर उस वेबसाइट पे अगर आए तो उसको वो एक बार में पसंद आ जाना चाहिए। ठीक है, जैसे हम लोग कहीं पे भी जाते हैं, ठीक है, मान के चलो कोई भी हम लोग कार लेने के लिए गए, तो कार लेने के लिए गए तो वहां पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर तो देख के लेंगे नहीं, उसमें हम लोग कलर देखेंगे, उसका मॉडल देखेंगे, उसमें लाइट्स कैसी है। ठीक है, बहुत सारा हम लोग इंटीरियर एक्सटीरियर सारा चीज हम लोग देख के लेते हैं, मतलब उसमें सुंदरता भी हम लोग को चाहिए। ठीक है, तो वेबसाइट भी वैसे ही होता है जिसमें हम लोग डेटा तो फीड कर रहे हैं, सारा डेटा तो डिस्प्ले कर रहे हैं, लेकिन किस तरीके से हम लोग डिस्प्ले किए हैं। ठीक है, मतलब उस जो हम लोग कंटेंट को डिस्प्ले कर रहे हैं उसकी सुंदरता, अट्रैक्टिवनेस, ठीक है, साथ में वो सिंपल भी होना चाहिए और इजी भी होना चाहिए, ताकि इजी टू अंडरस्टैंड रहे, ताकि यूजर एक बार में उस चीज को समझ जाए। ठीक है, CSS इज द एक्रोनिम फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS को हम लोग बोलते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, अगर हम लोग इसके वर्जन की बात करें तो CSS वर्जन 1, CSS 2, CSS 3, ठीक है, अभी लेटेस्ट CSS 3 चल रहा है। ठीक है, तो CSS 3 के अंदर इतने सारे एडवांस कॉन्सेप्ट उसमें दिए हुए ताकि हम लोग अपने वेबसाइट को बहुत सुंदर सा इसमें बना सके। ठीक है, हम लोग HTML तो यूज करते ही हैं वेबसाइट बनाने के लिए, अगर हम लोग उसमें कैस्केडिंग स्टाइल शीट को अगर ऐड करते हैं तो हम लोग अपने वेबसाइट को बहुत एडवांस फीचर के साथ, हम लोग उसमें एनिमेशन लगा सकते हैं, कलर्स उसमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें उसमें हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, जिससे हम लोग का जो वेबसाइट है बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसका एक एग्जांपल मैं और दिखाता हूँ, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है एक वेब पेज दिख रहा है। ठीक है, इसको ध्यान से देखना, यहाँ पे ये गूगल दिख रहा है, गूगल का वेब पेज है, सिंपल सा गूगल का वेब पेज है। ठीक है, अगर मैं इसमें ये जो माउस का कर्सर है, ये जो इस ऊपर हम लोग को दिख रहा है, ठीक है, ये उसके ऊपर मैं लेके जाता हूँ नीचे। ठीक है, तो देखना क्या इफेक्ट होगा।
वापस से रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पे मैं कुछ भी चीज़ टाइप करता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे मैं कुछ भी चीज़ टाइप करता हूँ, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ अपना ठीक है, मैं एंटर करता हूँ, ठीक है। मैंने इसको सर्च किया, ठीक है, लाइक कुछ भी मैं इसमें खोलता हूँ, ठीक है। तो ये एक प्रकार का CSS है। CSS मतलब एनिमेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे ही अगर माउस इसमें मूव होगा तो ये सारा चीज नीचे गिर जाएगा, ठीक है, सारा चीज नीचे गिर जाएगा, और मैं इसको कहीं कहीं भी उठा के फेंक सकता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे जो एक एनिमेशन देख रहे हैं, एनिमेशन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, वो सारा चीज किससे बना हुआ है, ठीक है। मैं इसको सारा चीज किससे बना सकता हूँ, CSS से बना सकता हूँ, ठीक है। CSS मैं अगर यहाँ पे CSS yes. यहाँ गूगल सर्च करता हूँ, ठीक है, तो अभी तो ये अप्लाई नहीं होगा, लेकिन हम लोग इसको इस प्रकार से सारा चीज हम लोग बना सकते हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें जो होती है वो गूगल में एक ग्रेविटी नाम से एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, ठीक है, गूगल ग्रेविटी नाम से एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, उसके अंतर्गत ये सारा चीज इसमें डिस्प्ले किया गया, ठीक है। और भी बहुत सारे क्रोम एक्सपेरिमेंट्स इसमें होते हैं, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है कि कोई भी वेबसाइट, ठीक है, अगर हम लोग कोई भी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ HTML अगर यूज करते हैं तो हम लोग को सिंपल सा एक वेबसाइट देखने मिलेगा, ठीक है। मतलब उसमें कोई भी तामझाम नहीं रहेगा, कोई कलर्स नहीं रहेगा, ब्लैक कलर में सिंपल सा टेक्स्ट, जो भी इमेज वगैरह लगाना चाहते हैं वो सारी चीज हम लोग को मिलेगी। लेकिन हम लोग उसको और भी सुंदर और भी अच्छे अच्छे एनिमेशन उसमें हम लोग डाल सकते हैं। आजकल के हम लोग वेबसाइट्स भी देखते हैं, बहुत सुंदर सुंदर होते हैं, ठीक है, लाइक जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ठीक है, ये सारे के वेबसाइट जो हम लोग जो देखते हैं, बहुत सुंदर सा वो डिजाइन किया होता है, ठीक है, बहुत सुंदर सा वो डिजाइन किया होता है। तो वही डिजाइनिंग जो होती है वो कैस्केडिंग स्टाइल शीट लगा के हम लोग करते हैं, ठीक है। मैंने एक प्रोग्राम बताया था, ठीक है, मैंने एक प्रोग्राम बताया था जिसमें हम लोग ने कमेंट टैग का यूज किया था, ठीक है, कमेंट टैग का हमने इसमें यूज किया था। तो कमेंट टैग का जब हमने इसमें यूज किया तो यहाँ पे हम लोग ने देखा था कि एक स्टाइल टैग हमने यहाँ पे यूज किया था, ठीक है, स्टाइल टैग हमने यूज किया था। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल CSS, मतलब हम लोग इस CSS को हमेशा हेड टैग के अंदर में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो एक टैग होता है स्टाइल टैग, ठीक है, स्टाइल टैग में हम लोग जितने भी दूसरे टैग्स होते हैं, ठीक है, जो दूसरे टैग्स मतलब बॉडी के अंदर जितने टैग्स होंगे, ठीक है, स्टाइल हमेशा या फिर CSS जो है सिर्फ और सिर्फ बॉडी पे अप्लाई होता है, ठीक है, बॉडी पे ही अप्लाई होगा। तो हम लोग यहाँ पे बॉडी टैग जो है उसके लिए कुछ CSS हम लोग डिफाइन कर लिए, मीन्स यहाँ पे स्टाइलिंग हम लोग डिफाइन कर लिए। कैसे डिफाइन कर लिए, ठीक है, बॉडी के अंदर जो रहेगा उसका टेक्स्ट अलाइनमेंट जो होगा वो सेंटर होगा, मतलब जितने भी टेक्स्ट उसमें लिखे होंगे, टेक्स्ट क्या क्या लिखे हुए, ये है और ये सेंटर में होना चाहिए, ठीक है। इसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, ये कलर होगा, ये मतलब जो भी कलर हो, ठीक है, ये हेक्साडेसिमल में है, ठीक है। उसका फॉन्ट साइज जो होगा वो 30 पिक्सल्स हो, फॉन्ट साइज क्या होगा, 30 पिक्सल्स होगा, और कलर उसका रेड होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो हम लोग ने यहाँ पे डी ड्राइव में इसको सेव किया था, और मैं कमेंट टैग जो है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो बैकग्राउंड है वो हल्का सा ब्लू कलर में है, बैकग्राउंड जो है हल्का सा ब्लू कलर में है, ठीक है, ये फॉन्ट साइज 30 है, ठीक है, और ये भी फॉन्ट साइज 30 है, ठीक है, और कलर इसका रेड है, और अलाइनमेंट सेंटर है, ठीक है, अलाइनमेंट क्या है, सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग साइड बाय साइड इसको एक बार देख लेते हैं कोडिंग के साथ में, तो हम लोग और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या है, इसका सेंटर है, मतलब पेज के सेंटर में आ रहा है, ठीक है। बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लू कलर में हल्का सा, ठीक है, देख सकते हैं हल्का सा ब्लू नजर आएगा,
ठीक है, अगर बैकग्राउंड यहाँ पे चेंज करना चाहे तो हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है, सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश कर देंगे तो एक बैकग्राउंड ग्रीन हो गया। ठीक है, फॉन्ट साइज जो है इसका 30 पिक्सल्स, ठीक है, ये 30 पिक्सल्स का फॉन्ट साइज है। ठीक है, ये H2 में है इसलिए बड़ा दिख रहा है, ये एक्चुअल 30 साइज है। ठीक है, और कलर क्या है इसका, रेड। ठीक है, जो टेक्स्ट है वो रेड कलर में दिख रहा है, मतलब इस बॉडी के अंदर में हम लोग जो भी चीज लिखेंगे उसमें ये सारे CSS के प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, ये हम लोग स्टाइल डिफाइन किए हैं बॉडी टैग के लिए, तो इस प्रकार से हम लोग हर किसी के लिए हम लोग बॉडी या फिर कोई दूसरे टैग के लिए हम लोग यहाँ पे स्टाइल टैग को यूज करके हम लोग CSS डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जहां जहां पे बॉडी होगा, मतलब बॉडी के अंदर में जितने भी सारे एलिमेंट्स होंगे सब में ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सब में ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगा, मतलब बॉडी कहाँ से शुरू है, यहाँ से शुरू है और यहाँ खत्म है। ठीक है, इसके अंदर में सारी चीजें हैं, इसके अंदर हम लोग H2 टैग लगाए हैं और पैराग्राफ टैग लगाया है, दोनों में अप्लाई हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, राइट योर कंटेंट हियर, राइट योर कंटेंट हियर, ये भी रेड कलर में सेंटर अलाइनमेंट है और इसका बैकग्राउंड जो है वो ग्रीन कलर है और फॉन्ट साइज 30 है। ठीक है, तो बॉडी टैग के अंदर जितना भी चीजें हम लोग लिखेंगे सबके सब में ये स्टाइल्स जो है वो अप्लाई होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग CSS को अप्लाई करते हैं। ठीक है, CSS बहुत अच्छी चीज है, बहुत ये अपने आप में एक कोर्स, ठीक है, जैसे HTML हम लोग सीख रहे हैं पूरा का पूरा कोर्स है, वैसे ही एक पूरा का पूरा CSS भी एक कोर्स होता है, इसमें भी बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, इंटरनल CSS ही हम लोग छोटा सा भी देखें ये बहुत ज्यादा बेसिक है। ठीक है, अगर हम लोग इसके डीप में जाएंगे तो CSS जो है बहुत HTML से भी बड़ा है मान के चलो। ठीक है, विदाउट CSS आज के जमाने की वेबसाइट बनती नहीं है। ठीक है, अगर आज के जमाने की हम लोग वेबसाइट्स देखें तो विदाउट CSS कोई भी वेबसाइट नहीं बनाई जाती है। ठीक है, तो इस वेबसाइट में क्या है, बहुत सारी चीजें लगी हुई है, कि बहुत सारी चीजें मतलब इसमें अगर हम लोग देखें तो ये स्लाइडर ऑटोमेटिक मूव कर रहा है, यहाँ पे हम लोग कलर चेंज किए हैं, मैं जैसे ही इसके ऊपर माउस लेके जाता हूँ तो ये मेनू खुल जाता है ऑटोमेटिक। ठीक है, इस टाइप का मेनू खुल जाएगा, इसके ऊपर माउस लेके जाऊंगा तो ये खुल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का, ठीक है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर दी हुई है, तो ये सारा जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है बहुत सुंदर सा। ठीक है, यहाँ पे देखो फॉन्ट कलर अलग है, फॉन्ट अलग है, ठीक है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे माउस लेके जाऊंगा तो ये थोड़ा से उभर के आ रहा है, ठीक है, और जो हम लोग को क्लियर दिख जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ठीक है, यहाँ पे भी मैं माउस लेके जाऊंगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल में इस प्रकार से आएगा, माउस लेके जाऊंगा तो कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग CSS अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जो सेक्शंस बने हुए हैं अलग अलग, ठीक है, जैसे डब्बे डब्बे बने हुए हैं, ठीक है, इसको टाइलिंग बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार के ये स्लाइडर लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसके ऊपर माउस लेके जाएंगे तो कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, ठीक है, यहाँ पे भी स्लाइडर लगा हुआ है। ठीक है, ये सब आपके सीनियर्स लोग का फोटोज है। ठीक है, ये पूरी वेबसाइट है हमारे पास, तो इसको भी स्टाइलिंग जो करते हैं वो CSS से करते हैं। अगर मैं इसकी कोडिंग दिखाऊं, ठीक है, व्यू पेज सोर्स में अगर हम लोग जाके देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग को दिखेगा स्टाइल टैग, दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे स्टाइल टैग लगाया गया है, स्टाइल टैग के अंदर बहुत सारी चीजें लगाई गई है। ठीक है, और इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे भी बहुत सारे टैग्स यहाँ पे अप्लाई किए जाते हैं, यहाँ पे दिख रहा है, ये लिंक किया हुआ है बहुत सारे CSS, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग min.css, ठीक है, फॉन्ट्स विद CSS, ठीक है, बहुत सारे CSS फाइल्स को इसमें अप्लाई किया गया है। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग स्टाइल शीट, यहाँ पे देख लो, ठीक है, स्टाइल शीट इसके अंदर बहुत सारा यहाँ पे जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये स्टाइल शीट जो होते हैं वो यही सारे स्टाइलिंग करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, किसी भी वेबसाइट को हम लोग बहुत सुंदर बना सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे CSS का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एडवांटेज की बात करते हैं,
कैस्केडिंग स्टाइल शीट फॉन्डली रिफर्स टू एज सीएसएस। इट इज अ सिंपल डिजाइन लैंग्वेज इंटेंटेड टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वेब पेजेस प्रेजेंटेबल। ठीक है, मतलब अगर हम लोग सीएसएस यूज नहीं करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग को किसी भी वेबसाइट को प्रेजेंट करना है किसी भी ग्रुप ऑफ यूजर्स के सामने, ठीक है, तो हम लोग अगर सिर्फ और सिर्फ एचटीएमएल यूज किए हैं तो हम लोग उसको प्रेजेंट भी करेंगे तो उतना मजा नहीं आएगा। मजा नहीं आएगा मीन्स उसको यूजर देखेगा क्या ये सिंपल सा टेक्स्ट लिखा हुआ है, कुछ भी चीज ऑर्गेनाइज नहीं है। ठीक है, तो मतलब यूजर एक बार देखेगा और उसको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, मतलब यूजर पर्सपेक्टिव में अगर हम लोग देखें उस चीज को, तो यूजर को जब हम लोग उस वेबसाइट को प्रेजेंट करें तो वो उससे अट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, मतलब वो वेबसाइट जो है बहुत वेल ऑर्गेनाइज रहे, बहुत सुंदर सा दिखे, उसका फॉन्ट हो गया, कलर्स हो गया, उसमें एनिमेशन हम लोग लगाए, सारा चीज उसमें होना चाहिए। ठीक है, तभी वो एक्सेप्ट कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए जो कॉस्ट वो दे रहा है, वो चाहेगा कि सिंपल सा ना हो, बहुत अट्रैक्टिव हो। अगर उसके वेबसाइट पे कोई भी जाए तो उसको सारा चीज अवेलेबल हो, बहुत इजी वे में सारा चीज एक्सेस कर पाए। ठीक है, और जो भी चीज उसको दिख रहा है बहुत सुंदर सा दिखे। ये सीएसएस इज ए मस्ट फॉर स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल टू बिकम ए ग्रेट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, स्पेशली व्हेन दे आर वर्किंग इन अ वेब डेवलपमेंट डोमेन। ठीक है, अगर जब भी हम लोग कोई भी स्टूडेंट की बात करें या फिर वर्किंग प्रोफेशनल की बात करें, अगर जो भी वेब डेवलपर्स हैं, ठीक है, जो भी वेब डेवलपमेंट डोमेन में काम कर रहे हैं, वेब डेवलपमेंट मतलब वेबसाइट डिजाइनर, वेबसाइट डेवलपर के इस टाइप के जो लोग होते हैं, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है सीएसएस। अगर सीएसएस उसने नहीं पढ़ा है, नहीं जानता है, तो कभी भी एक सुंदर सा वेबसाइट वो नहीं बना पाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं इसका एडवांटेज, क्रिएटिंग स्टनिंग वेबसाइट्स। ठीक है, स्टनिंग वेबसाइट्स मतलब क्या होता है कि बहुत अट्रैक्टिव, बहुत सुंदर सा एक लुक एंड फील जो होगा उसको बहुत अच्छा होगा। सीएसएस हैंडल्स द लुक एंड फील पार्ट ऑफ वेब पेज। यूजिंग सीएसएस यू कैन कंट्रोल द कलर ऑफ द टेक्स्ट, द स्टाइल ऑफ फॉन्ट्स, द स्पेसिंग बिटवीन पैराग्राफ, हाउ कॉलम्स आर साइज्ड एंड लेआउट, ये व्हाट बैकग्राउंड इमेजेस एंड कलर्स आर यूज्ड, लेआउट डिजाइंस। ठीक है, ये सारी चीज हम लोग कर सकते हैं। उसका स्क्रीन साइज क्या है, ठीक है, आज के जमाने की अगर हम लोग वेबसाइट देखें तो स्क्रीन कितनी भी छोटी हो जाए, वेबसाइट ऑटोमेटिकली उसको अपने एलिमेंट्स को रीसाइज कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ साइकोलॉजी की वेबसाइट देखते हैं, अगर मैं इसको रीसाइज करता हूँ, ठीक है, मैं इसको छोटा करता हूँ, तो यहाँ पे हम लोग इसको देख सकते हैं कि ये साइज जो है ऑटोमेटिकली वो होते जा रहा है, मतलब इसका साइज जो है वो छोटा होता जाएगा। ठीक है, ये फोटोज भी छोटी हो गई। ठीक है, मैं इसका अगर साइज बढ़ाता हूँ तो सारा कंटेंट इसका दिखेगा और ये अपने आप को रीसाइज करते जाता है। आप देखो कुछ चीज छुप जाएगी, कुछ चीज हो जाएगा, मतलब कोई भी साइज में अगर हम लोग इसको खोल लें, कोई भी साइज में हम लोग इसको ओपन कर लें, तो ये वेबसाइट जो होती है वो रिस्पॉन्सिव होती है। ठीक है, रिस्पॉन्सिव का मतलब ये होता है कि हम लोग उसको कोई भी रिजोल्यूशन में खोलें, चाहे वो एचडी स्क्रीन में हो, फुल एचडी स्क्रीन में हो, लैपटॉप में हो, कंप्यूटर में हो, ठीक है, मोबाइल फोन में हो, पेजर में हो, किसी में भी अगर हम लोग उसकी वेबसाइट को खोल रहे हैं तो हम लोग को वो एक लुक एंड फील ऐसा देगा कि हम लोग को पता ही नहीं चलेगा कि वो रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, वो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सिव ही होता है। ठीक है, अगर सीएसएस हम लोग यूज करें तो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव ही होगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग आज के जमाने का सीएसएस यूज करते हैं, लाइक CSS3 वगैरह, तो उसके अंदर इनबिल्ट सारे फीचर्स हम लोग को मिल जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी इसमें चीजें हम लोग चेंज कर सकते हैं, कलर, टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट का फॉन्ट, स्पेसिंग, ठीक है, कॉलम्स का साइज, ठीक है, बैकग्राउंड इमेजेस, कलर्स, लेआउट्स, वेरिएशन इन डिस्प्ले, मीन्स जो भी स्क्रीन साइजेस वगैरह है, वो सारी चीजें हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे हम लोग इफेक्ट्स हम लोग अपने वेबसाइट में अप्लाई कर सकते हैं और अपने वेबसाइट को स्टनिंग फीचर्स हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, बिकम ए वेब डिजाइनर इफ यू वांट टू स्टार्ट अ करियर एज ए प्रोफेशनल वेब डिजाइनर, एचटीएमएल सीएसएस डिजाइनिंग इज ए मस्ट स्किल। ठीक है, एज मतलब ओवरऑल सी बात ये है कि हम लोग अगर कोई भी वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, ठीक है,
तो हम लोग सीएसएस को, उस सीएसएस का नॉलेज लेंगे और हम लोग अपने सीएसएस को अप्लाई करेंगे अपने वेबसाइट, ठीक है। कंट्रोल वेब, सीएसएस इज वेरी इजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड, बट इट प्रोवाइड्स पावरफुल कंट्रोल ओवर द प्रेजेंटेशन ऑफ एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये हम लोग को ऐसा कंट्रोल देता है जिसके थ्रू हम लोग अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को बहुत अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं यूजर के सामने। मोस्ट कॉमनली सीएसएस इज कंबाइंड विद द मार्कअप लैंग्वेजेस एचटीएमएल और एक्सएचटीएमएल, ठीक है। सीएसएस को हम लोग एचटीएमएल और एक्सएचटीएमएल दोनों के साथ में यूज कर सकते हैं, इनफैक्ट एक्सएमएल के साथ में भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग सीएसएस को किसी भी मार्कअप लैंग्वेज के साथ यूज कर सकते हैं, लाइक एचटीएमएल, एक्सएचटीएमएल और एक्सएमएल, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा स्टोरी सीएसएस के बारे में, ठीक है। और भी हम लोग सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं जिसमें भी हम लोग एचटीएमएल यूज कर सकते हैं, ठीक है। लर्न अदर लैंग्वेजेस, वंस यू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ एचटीएमएल एंड सीएसएस, देन अदर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज लाइक जावास्क्रिप्ट, पीएचपी, एंगुलर आर बिकेम इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अगर हम लोग का एचटीएमएल सीएसएस बहुत अच्छे से आ जाता है तो हम लोग आगे इससे जुड़े हुए जो रिलेटेड लैंग्वेजेस है, जावास्क्रिप्ट, पीएचपी, एंगुलर, ये सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जिसको यूज करके हम लोग कोई भी वेबसाइट बहुत अच्छा सा डायनामिक हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है अपनी वेबसाइट को बहुत सुंदर बनाती है, अट्रैक्टिव बनाती है, ताकि यूजर जो है वो उसको एक्सेप्ट कर पाए।